एनसीपी प्रमुख शरद पवार और राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर की मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में अटकलबाजी शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि प्रशांत ने पवार के सामने देश भर के राजनीतिक दलों के आंकड़े सामने रखे। बताया जा रहा है कि दिल्ली और अलग अलग राज्यों में बीजेपी विरोधी दलों को एक मंच पर लाने पर लंबी चर्चा हुई है। इस बात को एनसीपी प्रवक्ता नवाब मलिक ने यह कहते हुए हवा दी है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ बीजेपी के खिलाफ रुक रहने वाली पार्टियों के महागठबंधन की जरूरत है। कल प्रशांत किशोर जी पवार साहब से उनके निवास स्थान पे मिले, लगभग 3 घंटे तक बातें हुई और इसमें कोई उन्हें रणनीतिकार बना के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी दी जाएगी ऐसा कोई भी मामला नहीं। वे रणनीतिकार हैं, उनका एक अनुभव है, चीजों को वो अलग तरीके से जांचते हैं, समझते हैं। हमें लगता है उनका अनुभव उन्होंने पवार साहब के सामने रखा, देश में राजनीतिक परिस्थिति क्या है निश्चित रूप से उसकी जानकारी दी होगी। और ये बात सच है कि पवार साहब की इच्छा है कि देश में सारे विपक्षी दलों को एकजुट करने का काम किया जाए, वो लगातार ये बातें करते हैं। बंगाल चुनाव के पहले भी वो बंगाल भी जाने वाले थे, तबीयत खराब होने के कारण जा नहीं पाए, लेकिन फिर ये कोशिश होगी कि देश में विपक्षी दलों को एक किया जाए और एक सशक्त मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा किया जाए, जिसके लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पहले से प्रयत्नशील है, इसकी पक्षधर है, आने वाले दिनों में ये प्रयास किया जाए। इधर बीजेपी ने साफ कहा है कि पवार और प्रशांत की मुलाकात से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता, पवार कुछ भी कर ले लेकिन 2024 के चुनाव में जीतेगी तो बीजेपी ही, प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। ऐसा है कि कोणी कोणाची भेट घ्यावी याच्यावर कुठले बंधन नाही, आणि विरोधी पक्षात जे लोक आहेत किंवा सत्तारूढ पक्षात जे लोक आहेत ते आपापल्या परीने त्यांच्या स्ट्रॅटेजीज तयार करत असतात। एकच गोष्ट सांगतो, कोणी कितीही स्ट्रॅटेजीज तयार केल्या तरीही आजही मोदी जी आहेत, 2024 मोदीजीच राहणार आहेत, 2024 निवडणुकीतही मोदीजींनाच आणि त्यांच्या नेतृत्वातच पुन्हा नव्याने सरकार येईल, त्यामुळे कोणी स्ट्रॅटेजी करायला काही हरकत नाही। मला असं वाटतं की एक सकाळी उठल्यानंतर पहिलं वाक्य उठल्या हे काही बोलत असतील तर केंद्र सरकार जबाबदार एवढंच वाक्य ते बोलत असतील, त्यामुळे अशा हास्यास्पद जे काही गोष्टी बोलल्या जातात त्याला माझ्यासारख्या माणसाने काय उत्तर द्यायचं। बीजेपी विरोधी दलों को एक मंच पर लाने की पहल इससे पहले कई बार की गई है लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। उसे सफल बनाने की पहल एक बार नए सिरे से शुरू की गई है। दिल्ली के राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि पवार ही एक ऐसे नेता है जो बीजेपी विरोधी दलों को एक मंच पर ला सकते हैं। शरद पवार को लंबा राजनीतिक अनुभव है और उनके सभी दलों के प्रमुखों के साथ अच्छे रिश्ते भी हैं। ऐसी चर्चा है कि बीजेपी विरोधी राजनीतिक दलों ने ही प्रशांत को आगे किया है कि वह पवार को इस बात के लिए राजी करें। हालांकि पवार या फिर प्रशांत की ओर से 3 घंटे की मुलाकात के बारे में कोई बयान नहीं किया गया है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री व बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने पवार और प्रशांत के बीच हुई मुलाकात पर चुटकी ली। फडणवीस ने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी ही जीत और मोदी ही देश का नेतृत्व करेंगे, पवार या फिर कोई भी बीजेपी विरोधी दलों को एकजुट कर ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शनिवार को नागपुर में मीडिया से फडणवीस ने कहा कि एनसीपी और विपक्ष पार्टियों की रणनीति कभी काम नहीं आएगी, पवार और प्रशांत किशोर की मुलाकात से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, देश में लोकतंत्र है, कोई भी किसी के साथ चर्चा कर सकता है, कोई भी किसी को मिल सकता है, कोई भी स्ट्रैटेजी तय कर सकता है, लेकिन कोई कितनी भी स्ट्रैटेजी तय करे एक बात तो पक्की है, लोगों के मनों में लोगों के दिल पर मोदी जी ही है, मोदी जी राज करते हैं। और 2024 के चुनाव में कोई साथ आए, कोई स्ट्रैटेजी तय करे, तब भी मोदी जी के नेतृत्व में ही सरकार चुनकर आएगी। बीजेपी नेता नारायण राणे ने कहा कि पवार का इतिहास उठाकर देख लीजिए, वह जो कहते हैं उसके विपरीत काम करते हैं। अब उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव महाविकास आघाड़ी के साथ मिलकर लड़ेंगे, इसका सीधा सा मतलब है कि एनसीपी कभी शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेगी।
शिवसेना की सराहना करके पवार ने कांग्रेस पार्टी को एक तरह से धमकी दी है और जल्द ही इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस और एनसीपी के बीच खींचतान शुरू होने वाली है। मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष संजय निरुपम ने भी ट्वीट किया है कि यूपीए एक है और एक ही रहना चाहिए। विपक्षी गठबंधन बिना कांग्रेस की भूमिका के अव्यावहारिक है। बीजेपी विधायक राम कदम ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो पार्टी दिवंगत बाला साहेब ठाकरे के वचन को पूरा नहीं कर पाई वह किस आधार पर गठबंधन का धर्म निभाएगी। एनसीपी और शिवसेना का गठबंधन बेमेल गठबंधन है जो ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता। दिल्ली में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई मुलाकात के बाद तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले के बयान ने इन कयासों को हवा भी दी है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में पूर्व सहयोगी बीजेपी और शिवसेना समेत अन्य दलों की महायुति सरकार बनाई जा सके। महायुति में मुख्यमंत्री पद को आधे आधे कार्यकाल के लिए शिवसेना के साथ बांटा जा सकता है। तो उद्धव ठाकरे लॉन्ग लीव का विचार करूं बैक टू पैवेलियन येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही। जर काँग्रेस राष्ट्रवादीकडे ते जाणारच नाही असं मला वाटत होतं ते गेले। आता काँग्रेस राष्ट्रवादीला वाटतं की शिवसेना बीजेपीकडे जाणारच नाही पण तसं घडणारच नाही असं अजिबात नाही आहे। त्यामुळं आमचं आव्हान आहे की शिवसेनेच्या भल्यासाठी आणि बाळासाहेबांचं स्वप्न साकार करण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांनी तसा विचार करावा। आणि 2.5 वर्षाच्या प्रस्तावाला मी काल देवेंद्रजीशी बोललो तर त्यांची तयारी आहे की बाबा 2.5 वर्ष त्यांनी घ्यावीत। आता 1.5 वर्षाचा झालेला आहे, अजून वर्षभर त्यांनी मुख्यमंत्री राहावं आणि 2.5 वर्ष बीजेपीला द्यावी, त्यामुळं असं होऊ शकतंय। त्यामुळं तशा पद्धतीनं विचार व्हावा अशी आमची इच्छा आहे। पाहूया काय होतंय ते। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई।